आज की हमारी रेसिपी है कैरी का टकू और कैरी की चटनी। कैरी से दो तरह की डिशेज बनाएंगे, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने में, जान डालने वाली है कैरी का टकू और कैरी की चटनी, जिसे खाते ही आप दो तीन रोटी ज़्यादा खाएंगे, बहुत ही स्वादिष्ट बनने वाला है ये रेसिपी। तो इसके लिए हमें ज़रूरत है एक अच्छे आम की। तो आम का पहले यहाँ पे छिलका निकाल लेंगे और इसे हमें कद्दूकस करना है, तो किसी भी कद्दूकस से आप इसे एकदम बारीक कद्दूकस कर लीजिए। इस तरह से हमें इसे पूरा जो कैरी को है कद्दूकस करना है कच्चे आम को। झटपट होने वाली कम चीज़ों में ये कैरी का टक्कू और कैरी की चटनी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो इस तरह से मैं पूरे जो कैरी को कद्दूकस कर लेती हूँ। कैरी हमारी कद्दूकस करके तैयार है, तो इसे अभी नापना है। तो नाप के लिए कोई भी कटोरी वगैरह आप ले लीजिए। तो यहाँ पे देखिए एक कटोरी भर के ये हमारा कैरी का पीस हो गया है कैरी को कद्दूकस करके। तो यहाँ पे कच्चे आम को एक कटोरी से मैंने नाप लिया है, तो एक कटोरी भर के हुआ है। तो अभी इससे हमें डालना है गुड़ मीठे के लिए। तो ये खट्टा और मीठा तीखा कैरी का टप्पू बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, ज़रूर एक बार बना के देखिए। अभी इसमें डालेंगे 1/4 कप जितना गुड़। गुड़ को एकदम बारीक बारीक कट करना है ताकि वो अच्छे से इस कैरी में मिक्स हो जाए। दोनों को कर लेते हैं एक साथ मिक्स। आम के साथ ये गुड़ का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है, खट्टा मीठा फ्लेवर देगा आपको। अच्छी तरह से करना है मिक्स। इसके लिए एकदम बारीक कद्दूकस करके लीजिए, ये एकदम बारीक बारीक कट करके लीजिए। तो ये गुड़ हमारा आम में अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो ये हमारा कैरी और आम का, कैरी और गुड़ का मिश्रण तैयार है। इसे रखते हैं साइड में। अभी इसके लिए तड़का बनाना है, तो तड़के के लिए हमें तड़का पैन लेना है और इसमें 2 चम्मच मैंने तेल डाला है। तेल को गर्म होने देंगे, साथ में डालेंगे इसमें राई। तो 1/2 चम्मच राई यहाँ पे मैंने डाली है। राई को तड़कने देंगे। अगर मेरी दिखाई हुई रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही में बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। अभी जो राई हमारी तड़क चुकी है तो 2 पिंच हींग डालेंगे और गैस को करते हैं बंद और थोड़ा सा हल्का सा तड़के को ठंडा होने देंगे। ये तड़का हमारा ठंडा हो चुका है थोड़ा, तो अभी इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और कर लेते हैं मिक्स। और ये तड़का हमें डालना है कैरी के ऊपर, कच्चे आम के ऊपर, गरम गरम और थोड़ा सा ठंडा हो चुका तड़का डालने में, और जो खट्टा मीठा फ्लेवर तीखा फ्लेवर आएगा ना बहुत ही अच्छा लगता है। भी कर लेते हैं मिक्स। कितना आसान है कम चीज़ों में तैयार होने वाला ये कैरी का टकू, हमें एक बार ज़रूर बना के देखिए। अभी इसमें डालेंगे नमक और 1/4 टीस्पून मैंने नमक डाला है, इससे ज़्यादा ना डालें क्योंकि इसमें मीठा भी डाला हुआ है। तो अच्छी तरह से कर लेते हैं मिक्स। नमक को पहले ना डालें, बाद में ही डालें तड़का डालने के बाद, क्योंकि नमक डालने के बाद आम को जो ज़्यादा पानी छूटेगा इसके लिए पहले ना डालें। तो ये हमारा है कैरी का टक्कू तैयार, एक बार ज़रूर बनाइए। बहुत ही स्वादिष्ट कैरी का टक्कू आप ज़रूर बना के देखिए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कैसे लगा ये। अभी दूसरी रेसिपी हमारी है कैरी की चटनी। तो ये कच्चे आम की कैरी की चटनी भी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, इसे 2 रोटी ज़्यादा आप खाएंगे। तो मेरे तरीके से आप ये कैरी की चटनी ज़रूर बना के देखिए, आपको बहुत पसंद आने वाली है। कम चीज़ों में तैयार होने वाले ये कैरी की चटनी और कैरी का टकू ज़रूर बनाइए। तो इसके लिए भी हमें ज़रूरत है एक कच्चे आम की। तो आम को पहले छील लेना है हमें। तो आम को छील के मैंने यहाँ पे बस 1/2 आम लिया है। ये मेजरमेंट के लिए हमें 1/2 आम की ही ज़रूरत है, इससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1/2 आम लिया है, 1/2 आम को रखा है बाजू में। अभी इसके ये छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। 6 गार्लिक लिया है मैंने, 3 लहसुन, थोड़ा सा हरा धनिया और 1 कप मैंने यहाँ पे फ्रेश कोकोनट लिया है कद्दूकस करके। और लहसुन और मिर्ची को थोड़ा सा हल्का सा हमें भूनना है। तो गैस पे जाली रख के आप थोड़ा सा ही बस रोस्ट कीजिए, थोड़ा सा कलर चेंज होने तक बस। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है चटनी में। तो गैस को करते हैं बंद और इसे डालते हैं मिक्सर जार में।
कैरी के भी मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। अभी इस सब डालने के बाद इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और थोड़ा सा पानी, ज़्यादा पानी नहीं, बस थोड़ा सा पानी पीसने के लिए थोड़ा पानी डालेंगे। और इसे एकदम फाइन पेस्ट हमें बनानी है, एकदम फाइन, जितना हो सके उतना फाइन पीसिए। तो यह हमारी हो गई कैरी की चटनी तैयार। आम की चटनी बहुत ही अच्छी लगती है खाने में, इतना टेस्टी लगती है कि देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। तो ज़रूर से बनाइए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए रेसिपी दोनों आपको कैसी लगी। और ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी अच्छी रेसिपी का आनंद ले सके और इन्जॉय कीजिए अपने फुल फैमिली के साथ ये मस्त बैठ के कैरी की चटनी और कैरी का टकू।